हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है हमारा रैशनल नंबर्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 देखो क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमें प्रॉपर्टीज का यूज़ करना है और क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, ये आपको दिया हुआ है। उससे आगे क्या दे रखा है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 एज इट इज़। अब इसके अंदर भी 3/5 है, इसके अंदर भी 3/5 है, तो इसको हमने आगे लिख लिया -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, इसको हमने पीछे लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों में क्या है, 3/5 3/5, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या आ गया कॉमन 3/5। यहाँ क्या बचेगा, -2/3 माइनस, इधर क्या बचेगा 1/6 प्लस 5/2 3/5 एज इट इज़। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 3 और 6 का क्या आएगा, 6। अब करेंगे 3 2 जा 6 2 2 जा 4, क्या आया -4। 6 से करेंगे, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1, 1 और 1 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 1 प्लस 5/2 एज इट इज़। 3/5 को एज इट इज रखेंगे, -4 -1 -5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5/2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2 प्लस 5/2। अब दोनों का एलसीएम क्या है हमारे पास, 2 -1 एज इट इज, 5 एज इट इज, 5 -1 कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड, 2/5 मल्टीप्लाई 3/-7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। इसको हमने सिंपली किया कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, सबसे पहले हमने बड़ा मास पढ़ रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 3 जा 6 7 5 जा 35 -35 आया, -3 1 जा 3 6 2 जा 12 प्लस 2 1 जा 2 और डिवाइड में क्या 14 मल्टीप्लाई 5 6/35 एज इट इज, -3 1 जा 3 3 4 जा 12 ये कैंसिल हो गया, क्या आया -1/4 प्लस 2 1 जा 2 2 से 7 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14 7 5 जा 35, ये आपके पास क्या आया 1/35। अब दोनों में से इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम हम निकालते हैं, 35 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास से 140। 35 और 4 की मल्टीप्लाई कर ली हमने, क्या आया 140। ठीक है, अब 35 टेबल में कितने पे आता है, ये 4 पे, 4 6 जा 24 माइनस एज इट इज 4 की टेबल में कितने पे आएगा 35 पे, 35 1 जा 35 प्लस एज इट इज 35 की टेबल में 4 पे आता है प्लस 4 -24 -30 5 दोनों को इकट्ठा करेंगे क्या आएगा -59 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 140। माइनस के 59 है प्लस 4 है तो इसमें से अपोजिट साइन है तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा कितना है -55 बाय 140। अब इसका लास्ट डिजिट 5 है, इसका लास्ट डिजिट 0 है तो इसको हम 5 से कर देंगे कैंसिल, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 10 4 आ जाएगा 5 8 जा 40, क्या आया -11/28। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है आपके पास, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव मीन्स एडिटिव, इनवर्स एड से हमें पता होता है ना ये सिंबल, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मीन्स उल्टा, ऑफ ईच, हर एक का एडिटिव इनवर्स फाइंड करो। इट मीन्स एड है, प्लस प्लस का उल्टा हमारे पास क्या होता है माइनस, जो भी हमें दिया हुआ है अगर हम उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो सिंबल चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे।
अब हमारे पास क्या है, 2/8, ये हमारे पास प्लस का है तो इसको हमने क्या कर दिया, माइनस, माइनस 2/8। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 5/9, अब ये हमारे पास किसका, माइनस 5/9 है तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस 5/9। थर्ड है हमारे पास माइनस 6 माइनस 5, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 6/5, एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, ये प्लस है तो अब इसका उल्टा क्या आएगा, माइनस 6/5। नेक्स्ट है 2/-9, ये माइनस यहाँ पर है या यहाँ पर है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मीनिंग क्या होता है कि पूरे से आगे माइनस है, एडिटिव इनवर्स है, ये माइनस है तो एक बार फिर से माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2/9। नेक्स्ट है 19/-6, एडिटिव इनवर्स इसका क्या आएगा, एक माइनस में है तो एक और माइनस लगते ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 19/6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स कि इसके इक्वल है, अगर हम सिंपली देखते हैं तो हमें पता है कि माइनस से माइनस कैंसिल होगा, क्या आएगा एक्स, तो वही इसके इक्वल लेके आना है। 4, ये हमें प्रूव करके दिखाना है किसके लिए, फर्स्ट है एक्स इज इक्वल टू 11/15, 11/15 के लिए करके देखते हैं, पुट कर दिया हमने एक्स इज इक्वल टू 11/15 इन किसके अंदर, इसके अंदर पुट कर दिया माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया 11/15 इज इक्वल टू में एक्स क्या 11/15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा 11/15, और इधर भी क्या है 11/15, तो क्या लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके नेक्स्ट है थर्ड का सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, एक्स इज इक्वल टू -13/17, अब हमें दे रखा है कि -13/17 इसको हमें वेरीफाई करना है, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -13/17 इन किसके अंदर, ये हमें प्रूव करना है, इसके अंदर हम पुट करेंगे, अब देखते हैं, देखो एक बार माइनस हम ये वाला लगाएंगे, फिर हमने माइनस लगाया, उसके बाद जो एक्स है वो भी किस में है, नेगेटिव है, इज इक्वल टू किसके लिए क्या आना है, एक्स के, एक्स हमारे पास क्या -13/17, लेकिन दो बार माइनस था तो दो बार माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये क्या बच गया, ये आ गया एज इट इज -13/17 इज इक्वल टू -13/17, क्या बोल देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, अब पीछे हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स, जब हमें एडिटिव इनवर्स दे रखा था तो जो प्लस जो भी हमें उसका अपोजिट साइन करना है, प्लस था तो हमें माइनस करना है, माइनस था तो प्लस करना है, ठीक है, अब मल्टीप्लीकेटिव है क्योंकि प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस, अब मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट क्या होता है डिवाइड, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड, तो इसलिए जो हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे मीन्स मल्टीप्लाई का उल्टा क्या आएगा डिवाइड, तो हमें क्या करना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को क्या कहते हैं हमें डिवाइड करना, ठीक है। 1 हमारे पास क्या है -13, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, अब ये हमारे पास क्या है न्यूमरेटर में है तो इसको हम किस में ले आएंगे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, अब हमें प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, वहाँ अब हमें जब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो प्लस है या माइनस है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी है सिंबल सेम रहेगा, प्लस या माइनस जो है वो का वो रहेगा, सिर्फ हमें क्या करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, ठीक है, जो फ्रैक्शन है इसको हमने रिवर्स करना है, -13 क्या हो गया -1/13, -13/19 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आ जाए इसका, इसका अपोजिट का क्या आएगा -19/13। नेक्स्ट है 1/5 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 5/1। नेक्स्ट है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7, पहले हमने इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 3 जा 15, 8 7 जा 56, तो क्या आ जाएगा 15/56, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आएगा इसका, इसका उल्टा कर देंगे क्या आ जाएगा 56/15। नेक्स्ट है
माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस टू बाई फाइव इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसल, क्या आया टू बाई फाइव। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आएगा इसका, इसका उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा फाइव बाई टू। नेक्स्ट है माइनस वन, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा वन बाई माइनस वन। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डाल। ओके, थैंक यू।